हेलो दोस्तों, अदि क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग। वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका। इससे पहले कि हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग देख रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में नॉर्थ अमेरिका। इससे पहले दो तीन क्लासेस हो रखी हैं, है ना, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको देख सकते हैं वहाँ देख के। और इससे पहले कि हमारे जो वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ में हमारा एशिया, यूरोप और अफ्रीका कंप्लीट हो रखा है, अब हम लोग जो स्टार्ट किए हैं नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका में हमारा ये दो तीन क्लासेस हो रखी हैं और नेक्स्ट देख रहे हैं। अगर हमारे चैनल फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिस आपको मिलती रहे। और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा नहीं बीच से, है ना, तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में वहाँ पर वीडियो बना हुआ है वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ के नाम पर, है ना, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट, ओके। तो देखिए, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका का ये मैप है। आप जब भी वर्ल्ड मैपिंग करें तो साथ में एटलस मैप, है ना, पेन पेपर जरूर रखें और आउटलाइन मैप जो होता है ना, वो साथ में रखें। अब यहाँ देखिए कि पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या देखे थे हम लोग। तो यहाँ बता दें कि ये जो आपका दिख रहा है आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। इसे बताया था कि ये पार्ट जो आपका अलास्का का पार्ट है, ये जो पार्ट है क्या है, अलास्का, ओके, अलास्का है, ओके। आपको बताया था कि अलास्का जो पार्ट था पहले रसिया का पार्ट हुआ करता था, रूस का हुआ था, तो ये फिर क्या किया कि अमेरिका को दे दिया, है ना, अमेरिका को बेच दिया। तो फिलहाल ये जो किसका है, यूएसए का पार्ट है, है ना, अलास्का किसका है, यूएसए का। अरे क्या है, रसिया है, इधर रसिया है, है ना, ओके, जो एशिया वाला पार्ट आता है रसिया में, ओके, तो ए एशिया का पार्ट आता है। अब बात करें तो ए आपका है कनाडा, कनाडा ये आपका हुआ, और यहाँ पे आपका ये यूएसए, और ए जो दिख रहा है यहाँ से, ये आपका है यूएसए, और ये आपका मैक्सिको, मैक्सिको, ओके। तो यह वो आपका मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं वाटर बॉडी, वाटर बॉडी बात करें तो ये आपका है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, ओके, प्रशांत हो गया। इधर आपका अटलांटिक है, अटलांटिक महासागर, ये सारा हम बता चुके हैं पिछले क्लास में, ओके। अब यहाँ देखिए ऊपर क्या है, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर, ओके, ऊपर में आपका आर्कटिक महासागर, ये आपका अलास्का हो गया, है ना। एक यहाँ बताए थे आप लोगों को एक जल संधि यहाँ पे, कौन सी जल संधि है, बेरिंग, क्या नाम है, बेरिंग जल संधि, ठीक है, बेरिंग जल संधि, ओके, जल संधि का नाम क्या है, बेरिंग। यहाँ पे मिलेगा आपको बेरिंग सी, बेरिंग सी, यहाँ पे क्या है आपका, साथ में एटलस में दिखते जाए लोकेशन को, ओके। यहाँ पे बता रखे थे क्या, गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी। यहाँ पे आपको मिलेगा चुक्की सागर, चुक्की सागर, फिर यहाँ मिलेगा आपको ब्यूफोर्ट सागर, ओके, यहाँ चुक्की सागर, ब्यूफोर्ट सागर, गल्फ ऑफ अलास्का, यहाँ बेरिंग सी, है ना। तो यहाँ पे जो जल संधि है, जो स्ट्रेट है, कौन सा है, बेरिंग स्ट्रेट है, है ना, जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है ना, कौन है, बेरिंग स्ट्रेट। बात करें तो ये हडसन की खाड़ी, यहाँ पे हडसन
खाड़ी, हरसिंह खाड़ी यहाँ पे है। ओके, फिर नेक्स्ट आप यहाँ आएंगे तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। पिछले क्लास बता चुके थे ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड है वो फिजिकली कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। बट उत्तरी अमेरिका पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है ये, डेनमार्क का है। किसका है, डेनमार्क का है। ओके, अब यहाँ बात करें है ना, ग्रीनलैंड के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे स्ट्रेट मिलेगा, कौन सा मिलेगा, डेविस, डेविस स्ट्रेट। ओके, आपको यहाँ मिलेगा बेफिन, बेफिन द्वीप है ना, बेफिन आइलैंड यहाँ पे है। आप यहाँ मिलेगा आपको बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। ओके, बे ऑफ बेफिन। ऊपर में आपका आर्कटिक महासागर है ना, यहाँ पे छोटे छोटे आपको द्वीप मिलेंगे है ना। कौन कौन से द्वीप मिलेंगे, बैंक द्वीप, बैंक द्वीप है ना, विक्टोरिया द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, और यहाँ पे महारानी विक्टोरिया हो गया, विक्टोरिया द्वीप है ना। और यहाँ पे लगा एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। ओके, तो आपको ऊपर में छोटे छोटे द्वीप मिलेंगे, आप एटलस में देखेंगे, बैंक द्वीप, विक्टोरिया द्वीप और क्वीन एलिजाबेथ द्वीप। ओके, तो ये सारे पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे है ना, सारे हम लोग देख रहे थे है ना। अगर आप देखे नहीं है तो पिछले क्लास में जाइए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, सारे हम बता चुके हैं है ना। अब बात करें ये आपका है ना, तो ये आपका फ्लोरिडा है, क्या है आपका, फ्लोरिडा, ये आपका फ्लोरिडा है। अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको बताए थे कि सात बड़े देश, सात बड़े देश है ना, सात बड़े देश नहीं, सॉरी, तीन बड़े देश। ओके, तीन बड़े देश हैं है ना, देखिए कौन कौन से हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। उसके बाद सात छोटे छोटे देश, छोटे देश। ओके, यहाँ देखते हैं सात छोटे देश कौन कौन से हैं। यहाँ देखेंगे आप तो आपको एक यहाँ देश मिलेगा, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ तक आपका मैक्सिको का पार्ट है यहाँ से है ना। आपको एक यहाँ देश मिलेगा बेलीज, कौन सा मिलेगा, बेलीज, बेलीज। ओके, फिर यहाँ पे आपको एक छोटा सा एक और देश मिलेगा यहाँ पे है ना, बेलीज हो गया, बेलीज के बाद यहाँ में आ गए है ना, तो एक यहाँ देश मिलेगा होंडुरास, होंडुरास। ओके, होंडुरास। ओके, उसके बाद फिर एक छोटा देश आपको एक यहाँ मिलेगा, बेलीज हो गया, होंडुरास हो गया, एल सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर। फिर नेक्स्ट आपको एक देश यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। ओके, तो एक आपको जो यहाँ मिलेगा वो आप निकारागुआ, निकारागुआ। ओके, एक देश आपको मिलेगा यहाँ पे कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। और आपको एक लास्ट देश यहाँ मिलेगा आपको पनामा, पनामा। ओके, और एक जो आपको देश यहाँ मिलेगा ग्वाटेमाला, इस तरीके से हम देखें यहाँ टोटल देश कितने हुए, सात देश। कौन कौन से हैं, बेलीज, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, एल सेल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ओके, तो सात देश यहाँ देख लिए और तीन बड़े देश देख लिए। ओके, और इसमें बताया था सेंट्रल, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ना, मिडिल जो अमेरिकन कंट्री सारे बता रखे थे। अब पिछले क्लास में बताए थे कि इसमें जो कौन कौन सी रेखाएँ गुजरती हैं, कर्क रेखा गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आपका आर्कटिक वृत्त जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है वो गुजरती हैं है ना। 66.5 डिग्री जो नॉर्थ गुजरती है रेखा, 66.5 डिग्री जो आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त गुजरती हैं, टोटल जो गुजरती हैं आठ देशों से है ना। इसके में बताए थे, ट्रिक बताए थे इसमें था फाइंड्स कार। ओके, इसमें था फिनलैंड,
आइसलैंड, नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, सी फॉर कनाडा है ना, ए फॉर अलास्का, आर फॉर रसिया, ये पिछले क्लास में हम बता चुके थे। ओके, तो बेसिकली आज का जो क्लास में हम देखेंगे कि बताए थे आप लोग कि इसको डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में। तीन पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, एक पार्ट ऐसे डिवाइड करेंगे यहाँ से ऐसे, एक बीच में, एक इधर साइड में। ओके, तो बताए थे कि तीन पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे है ना, पिछले क्लास में बता रखे हैं, अगर आप देखें पिछले क्लास में देख लीजिए है ना। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे है ना, इसका विस्तार बताए थे है ना, उत्तरी अमेरिका का जो विस्तार बताए थे कि यह पूर्ण रूप से, यह पूर्ण रूप से कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में। ओके, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में, पश्चिमी गोलार्ध में। ओके, ये सारे हम पिछले क्लास में बता रखे हैं है ना, आप जाइए वहाँ पे देखिए, प्लेलिस्ट में आपका बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आज जो बात करेंगे है ना, कि ये जो उत्तरी अमेरिका है इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है ना, कौन कौन से हैं इसको मिटा देते हैं। ओके, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताए थे कि जो उत्तरी अमेरिका है, जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, वो पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, ओके, पूर्ण रूप, ओके, पूर्ण रूप से कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है। ओके, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध कहने का सेंस मतलब है कि इसका जो विस्तार है ना, 7 डिग्री से है ना, 7 डिग्री से 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ओके, 7 डिग्री से यहाँ से, 7 डिग्री से लेकर कहाँ पे, 85 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये पूर्ण रूप से उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में। अब बात करें पश्चिमी है ना, तो पश्चिमी गोलार्ध की बात करें, गोलार्ध में है ना, तो ये जो पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ये आपका है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर से 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ओके, तो क्या है कि इसका जो विस्तार है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर से 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब बता दिए इसमें कि तीन रेखाएं गुजरती, कौन कौन, कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है ना, फिर आर्कटिक वृत्त गुजरती है ना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ आपका कर्क रेखा, फिर बताएं 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त है ना, ये बता दिए, नॉर्थ भी है। उसके बाद बताएं आप लोग को कि जो इसके बाद जो बताएं कि 100 डिग्री, 100 डिग्री देशांतर, 100 डिग्री देशांतर ये बीचों बीच से गुजरती है, लगभग बीचों बीच से गुजरती है ना, और आपका हो गया ये है ना, तो ये सारी रेखाएँ यहाँ से गुजरती हैं। ओके, अब इसको मिटा देते हैं है ना। अब आज हम लोग बात करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, थ्री मेजर डिवीज़न में इसको डिवाइड करेंगे है ना, तो अब देखते हैं इसका थ्री मेजर डिवीज़न। ओके, थ्री मेजर डिवीज़न, थ्री मेजर डिवीज़न। ओके, तो इसमें थ्री मेजर डिवीज़न कौन कौन से हैं, ए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, ये देखते हैं कि क्या है, फर्स्ट है ना वेस्टर्न, वेस्टर्न, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, कॉर्डिलेरा। ओके, सेकेंड है आपका सेंट्रल, सेंट्रल लोलैंड। ओके, और थर्ड जो आपका है, थर्ड आपका जो है ये है ईस्टर्न, ईस्टर्न हाइलैंड्स, हाइलैंड्स। ओके, ईस्टर्न हाइलैंड्स। तो इसमें देखेंगे क्या है, पूर्वी एक है पश्चिमी, पश्चिमी, पश्चिमी पर्वतीय भाग, ठीक है, बीच वाला जो है मध्य
निम्न भूमि, मध्य निम्न भूमि, और जो लास्ट है पूर्वी, पूर्वी उच्च भूमि। ओके, तो ये तीनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना। वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, ध्यान दीजिएगा आपने, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, सेंट्रल लोलैंड्स, और आपका लास्ट कौन सा, ईस्टर्न, ईस्टर्न हाईलैंड्स। ओके, इसको डिवाइड करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, अब इसको मिटाते हैं। ओके, अगर हो गया है तो इसको मिटाते हैं। आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका जो ये यहाँ पे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, ओके, तो वेस्टर्न जो कॉर्डिलेरा है पश्चिमी पर्वतीय भाग है, यह क्या है, यंग फोल्डेड माउंटेन, यंग फोल्डेड माउंटेन। ओके, यह क्या है, यंग फोल्डेड माउंटेन है, है ना। यहाँ बात करें यंग फोल्डेड माउंटेन है, तो ये जो बात है, ये यहाँ से जो फैला हुआ है, जो उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक, है ना। तो बात करें नॉर्थ में उत्तरी अमेरिका, है ना, तो उत्तरी अमेरिका में आपको यह मिलेगा रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत, है ना, और दक्षिणी अमेरिका में मिलेगा आपको, दक्षिणी अमेरिका मिलेगा एंडीज, एंडीज पर्वत, है ना। तो इसमें क्या है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है, है ना, ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा है इसमें क्या है, ये क्या है, यंग फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है, है ना, क्या है, नए वलित पर्वत है, वलित पर्वत है, है ना, है ना। और यहाँ पे जो मिलेगा आपको इस साइड में, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका ईस्टर्न है, यहाँ मिलेगा आपको ओल्ड, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, फोल्डेड माउंटेन मिलेगा आपको, ठीक है, है ना, पुराने पुराने वलित पर्वत मिलेंगे वहाँ पे, है ना। जैसे आपको मिलेगा वहाँ पे अपलेशियन, वहाँ पे अपलेशियन पर्वत इधर मिलेगा आपको, ठीक है। तो फिलहाल हम जो देख रहे हैं, है ना, इसमें वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा में बताया कि उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत और दक्षिण में आपका एंडीज पर्वत तक फैला हुआ है। आपका वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है ये पैसिफिक, पैसिफिक ओशन, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। ओके, ये जो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में का हिस्सा है, पैसिफिक, है ना, प्रशांत, प्रशांत अग्निवलय, अग्नि वलय का हिस्सा है। ओके, तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा जो है कौन है, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जाते हैं, अब यहां नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका सेंट्रल, सेंट्रल लोलैंड्स, है ना, सेंट्रल जो लोलैंड्स है, है ना, इसमें आपके जो नॉर्थ अमेरिका के जो मैक्सिमम जो झीलें हैं, है ना, झीलें हैं, सब इसी में पाए जाते हैं झीलें, है ना, जो आपका ग्रेट लेक हैं, ग्रेट लेक हैं, है ना, ग्रेट लेक पिछले क्लास बता चुके हैं कि ग्रेट लेक पांच हैं, है ना, कौन कौन है, इसका ट्रिक बताया था आप लोगों को, एच ओ एम ई एस, है ना, ह्यूरन, ओंटेरियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर, है ना, ये पांच लेक हैं, है ना, ये पांच ग्रेट लेक हैं। तो जो सेंट्रल जो लोलैंड्स है इसमें आपको मिलेगा कैनेडियन शील्ड, कैनेडियन शील्ड में आपको मिलेंगे लगभग जो सारे झीलें हैं इसमें आपको आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका ईस्टर्न, ईस्टर्न जो हाईलैंड्स हैं, हाईलैंड्स, हाईलैंड्स, इसमें बताएं कि ये जो क्या है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, यहाँ पे मिलेगा आपको अपलेशियन, है ना, अपलेशियन पर्वत, है ना, ये क्या है, है ना, ये क्या है, वेस्टर्न हाईलैंड्स, इसमें आपका अपलेशियन पर्वत आएगा। ओके, तो इस तरह का से हम लोग डिवाइड किए,
ईस्टर्न आपका ये हो गया ईस्टर्न हाईलैंड्स, सेंट्रल लोलैंड्स और वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, है ना। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि यहाँ का जो पठार, इसका जो नॉर्थ अमेरिका का पठार, पर्वत और नदियाँ देखेंगे। आज के बस इतने करते, फिर मिलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में।